असलम दोस्तों अगर आपको भी इंटरनेट का इशू आ रहा है आपका ना व्हाट्सअप चल रहा है ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम ना ट्विटर ना ही आप टिकटॉक पर कोई वीडियो देख पा रहे हैं ना डीएम हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसका सोल्यूशन क्या है सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ गाइड करने वाला हूँ तो इसलिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा इन इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है जो आपका नेट नहीं चल रहा है या नेट स्लो चल रहा है तो आप ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं मुकम्मल सल्यूशन देने वाला हूँ इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं तो यहां पर आपने सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है ओपन करके यहाँ में लिखना है रैपिड वीपीएन ठीक है स्पेलिंग आप देख लें रैपिड वीपीएन जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने वो तमाम वीपीएन आ जाएंगे जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं यहां पर आप देख सकते हैं हमें वीपीएन नजर आ रहे हैं यहां से आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है आप आइकन देख लें ठीक है रैपिड वी आपने ये डाउनलोड कर लेना है तो सिंपली हम यहाँ से इसको करेंगे ओके और यहाँ पर ये इंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो सिंपली हम जल्दी से इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना है इसको यूज़ कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर हमारे सामने ये डाउनलोड हो चुका है तो सिंपली हमने अब इसको यूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है यहाँ पे आपने एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ये एक ऑप्शन आता है ऊपर आपने क्रॉस पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा देना है उसके बाद ये सिंपल सा बिल्कुल इसका व्यू है आपको तो यहाँ पे आपने टैप टू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है तो सिंपली आपका जो वी है वो ऑन हो जाएगा उसके अलावा ऊपर आपको जो थ्री लाइंस नज़र आ रही हैं ठीक है यहाँ पे आपको जो प्रो ऑप्शनज हैं वो मिल जाते हैं ठीक है उसके अलावा ये सारे जो सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट सर्वर जी हाँ दोस्तों आप यहाँ से जो अपना सर्वर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जर्मनी फ्रांस जिस भी कंट्री के लोकेशन आप चाहते हैं वो यहाँ से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की जो लोकेशन है उसको सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे तो सिंपली आपका जो वी है वो ऑन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि आपने जो अपने लोकेशन है वो सेलेक्ट करनी है उसके बाद सिंपली आपका जो वी है वो कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद अगर आप डिस्कुन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली इसी बटन पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद यहाँ से यस करना है और आपका जो वी है वो डिस्कुनेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपने एक दफ़ा ये करने के बाद अब आप दोबारा जब भी आपने वी ऑन करना है सिंपली आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ठीक है इस पर टैप करते ही आपका वी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा बिल्कुल सिम्प सिंपल और इजी तरीके से और आप अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं इसको ऑन करके